हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जीके के क्लास सिक्स के जीके सब्जेक्ट में चैप्टर इलेवन। चैप्टर इलेवन का नेम है वर्ल्ड्स एपिक्स, यानी वर्ल्ड के कुछ ऐसी घटनाएं जिनको हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए इस चैप्टर को आपको नोटबुक में नोट नहीं करना है, ओनली आपको अंडरस्टैंड करना है इसे। ठीक है, अंडरस्टैंड करके आपको इसे अपनी बुक से पढ़ना है, ओनली नोटबुक में नहीं करना है आपको। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है दिस टुगेदर विद द ओडिसी इज वन ऑफ टू एंशियंट ग्रीक एपिक पोएम्स एट्रीब्यूटेड टू ओमर। यानी ये ओडिसी के साथ साथ जो एंशियंट ग्रीक एपिक पोएम है, दो जो पोएम है ग्रीक लैंग्वेज के अंदर, उनमें से एक है एट्रीब्यूटेड टू ओमर, जो ओमर के सम्मान में लिखी गई। द पोएम कंसर्न्स इवेंट्स ड्यूरिंग द 10th एंड फाइनल ईयर इन द सीज ऑफ द सिटी ऑफ इलियन और ट्रॉय बाय द ग्रीक्स। इस पोएम के अंदर 10th एंड फाइनल ईयर यानी जो 10वें साल और या 10वें के जो लास्ट वाला साल है, ठीक है, फाइनल ईयर इन दिस सीज, सीज मतलब जब पूरे सिटी को घेर लिया था। कौन से सिटी को? इलियन या ट्रॉय, दोनों एक ही नाम है शहर का। ठीक है, इलियन और ट्रॉय, इस शहर को जब घेर लिया गया था चारों तरफ से, 10 साल तक कैद रहा था ये, यानी गुलाम रहा था ये जो शहर है 10 साल तक, उनकी घटनाओं के अंदर उस दौरान उसमें क्या क्या हुआ उस शहर के अंदर, उसमें पूरा वर्णन इस पोएम के अंदर मिलता है। ठीक है, क्या नाम है इस पोएम का? इलियाद। क्या नाम है? इलियाद। सेकंड क्वेश्चन देखिए, द पोएम वाज प्रोबेबली रिटन नियर द एंड ऑफ द 8th century BC। ये जो पोएम है लगभग 18वीं सेंचुरी के एंड में लिखी गई थी, समवेयर अलोंग द ग्रीक कंट्रोल्ड वेस्टर्न तुर्की सी साइड आयोनिया, जिसमें ग्रीक के द्वारा जो वेस्टर्न तुर्की है आयोनिया, ठीक है, जिसको आयोनिया के नाम से जानते हैं, उसको अपने अंडर कंट्रोल में रखा गया ग्रीक के द्वारा। द पोएम इज इन पार्ट ए सीक्वल टू ओमर्स इलियाद। ये जो ओमर के याद में बनाई गई थी पोएम इलियाद, उसी का एक सीक्वेंस है। ठीक है, उसी का एक सीक्वेल आगे नहीं अगला पार्ट है। एंड मेनली सेंटर्स ऑन द ग्रीक हीरो ओडिसस, जो एक ग्रीक हीरो ओडिसस के बारे में इसमें एक्सप्लेन किया गया है। एंड हिज लॉन्ग जर्नी होम टू इथाका फॉलोइंग द फॉल ऑफ ट्रॉय, जिसमें उस ओडिसस की जो लॉन्ग जर्नी है, ठीक है, जो इथाका उसका जो अपना होम टाउन है, उसके अंदर जो लॉन्ग जर्नी है उसकी, वो बताई गई है इसमें। ठीक है, उसका जीवन कैसा रहा वो बताया गया इसमें। एंड इसमें बताया गया फॉलोइंग द फॉल ऑफ ट्रॉय, कि ट्रॉय शहर की बर्बादी कैसे हुई, जो उसका जो है विनाश कैसे हुआ ट्रॉय शहर का, ठीक है, ये बताया गया इस पोएम के अंदर। कौन सी पोएम है? ओडिसी। कौन सी है? ओडिसी। थर्ड क्वेश्चन, दिस इज ए नैरेटिव पोएम इन 15th book दैट डिस्क्राइब द क्रिएशन एंड हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। ये नैरेटिव पोएम, एक लेखक द्वारा लिखी गई पोएम है इन 15th books, जो कि लगभग 15 किताबों में से एक है, जो ये वर्णन करती है, जो ये डिस्क्राइब करती है कि वर्ल्ड का क्रिएशन निर्माण कैसे हुआ और हिस्ट्री, उसका हिस्ट्री क्या है वर्ल्ड की, ये बताती है। ठीक है, कंप्लीटेड इन 8th AD, और जो लगभग 8th AD में तैयार हुआ, ठीक है, जो वर्ल्ड है 8th AD में लगभग, जो ये पोएम है 8th AD में लगभग बनके तैयार हुई। इट हैज रिमेंड वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वर्क्स ऑफ माइथोलॉजी, इसके अंदर माइथोलॉजी से रिलेटेड इन जो पौराणिक कथाएँ हैं, ठीक है, जो गॉड से रिलेटेड जो कथाएँ मिलती हैं, पोएम मिलती हैं, उसमें इसका वर्णन किया गया है। बींग द क्लासिकल वर्क बेस्ट नोन टू मेडिवल राइटर्स एंड थस हैविंग ए ग्रेट डील ऑफ इन्फ्लुएंस ऑन मेडिवल पोएट्री। जो कुछ पोएट और कुछ राइटर्स हैं, उन राइटर्स को बहुत ही इसमें अट्रैक्टिव करती है, काफ़ी इफेक्ट करती है उनको। क्या नाम है इस पोएम का? मेटामॉर्फस ओविड।
मेटामॉर्फस ओविड। नहीं देखिए नंबर फोर, नंबर फोर क्या है, विद मोर देन 74,000 वर्सेज लॉन्ग प्रोज पैसेजेज एंड अबाउट 1.8 मिलियन वर्ड्स इन टोटल। इसमें लगभग 74,000 से ज़्यादा वर्सेज मीन्स जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, जो कविताओं के छोटे छोटे टुकड़े बोलते हैं, दोहे बोलते हैं जिनको, वो इसमें हैं 74,000 से ज़्यादा। एक लॉन्ग प्रोज पैसेज जिसके अंदर बहुत लंबे लंबे पैसेज हैं एंड अबाउट 1.8 मिलियन वर्ड्स इन टोटल, जो लगभग 1.8 मिलियन वर्ड्स में लिखी गई है। इट इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट एपिक पोएम इन द वर्ल्ड, ये सबसे लंबी पोएम है पूरे वर्ल्ड के अंदर। इट हैज ए टोटल लेंथ ऑफ मोर देन 90,000 वर्सेज, इसकी टोटल लेंथ लगभग 90,000 वर्सेज है इसमें, यानी जो छोटे छोटे दोहे हैं लोग 90,000 के लगभग हैं। इट इज ऑफ इमेंस इंपॉर्टेंस टू द कल्चर ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड इज ए मेजर टेक्स्ट ऑफ हिंदुइज्म, इसके अंदर इंडियन सब कॉन्टिनेंट इंडियन सब कॉन्टिनेंट मतलब जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसके बारे में इसमें रिलेटेड, उससे रिलेटेड इसमें डिस्क्रिप्शन किया गया है, या इसके अलावा इसमें हिंदुइज्म है जो हिंदूवाद है, हिंदू धर्म से रिलेटेड इसमें वर्णन किया गया है। इट्स डिस्कशन ऑफ ह्यूमन गोल्स, इसमें ह्यूमन के जो गोल हैं, अलग अलग लक्ष्य हैं ह्यूमन के, कौन कौन से अर्थ जिसको पर्पज बोलते हैं कि हम किस अर्थ से किस उद्देश्य से जी रहे हैं, काम और प्लेजर हमको किस जो मतलब कौन से काम में हमको खुशी मिलती है वो काम करना चाहिए हमको, धर्म और ड्यूटी हमारा क्या धर्म है, हमारी क्या ड्यूटीज हैं, एंड मोक्ष और लिबरेशन और मोक्ष किस तरह से मिलती है इसके बारे में इसमें डिस्क्रिप्शन किया गया है। टेक्स प्लेस इन ए लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रेडिशन, जो कि सबसे लंबे समय तक चलने वाली पुरानी जो ट्रेडिशन है वो इसमें वर्णित है, या इसमें जो इसमें कह सकते हैं कि जो इसमें पूरी तरह से डिस्क्रिप्शन किया गया है उसका। अटेम्प्टिंग टू एक्सप्लेन द रिलेशनशिप ऑफ द इंडिविजुअल टू सोसाइटी एंड द वर्ल्ड, द नेचर ऑफ द सेल्फ एंड द वर्किंग ऑफ कर्मा, इसके अंदर किसी भी पर्सन का उसके सोसाइटी से रिलेशनशिप का जो एक्सप्लेन है वो किया गया है इसमें, कि वो किस तरह से सोसाइटी पर रहता है, किस तरह के क्या क्या उसको वर्क करने चाहिए, वो इसमें सब कुछ वर्णन किया गया है इसमें। कौन सी पोएम है ये, कौन सा एपिक है, महाभारत, ठीक है, सबसे लंबा एपिक है ये महाभारत ग्रंथ बोल सकते हैं जिसमें ना। दिस इज वाइडली कंसिडर्ड द सेंट्रल एपिक पोएम ऑफ इटालियन लिटरेचर एंड इज सीन एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वर्क्स ऑफ वर्ल्ड लिटरेचर, इसे इटालियन लिटरेचर की जो सेंट्रल एपिक पोएम माना जाता है, ठीक है, जिसमें जो विश्व जिसके अंदर विश्व के जो लिटरेचर है वर्ल्ड लिटरेचर है उसके बारे में इसमें बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन किया गया है। द पोएम्स इमेजिनेटिव एंड एलिगोरिकल विजन ऑफ द क्रिश्चियन आफ्टर लाइफ इज ए कुलमिनेशन ऑफ द मेडिवल वर्ल्ड व्यू एज इट हैड डेवलप्ड इन द वेस्टर्न चर्च, जिसके अंदर इमेजिनरी और एलिगोरिकल यानी अलौकिक कल्पनात्मक इसमें कल्पना की गई है, अलौकिक दृष्टि जो ईसाई है, ठीक है, जो यानी गॉड है उसके बारे में इसमें एक्सप्लेन किया गया है, क्रिश्चियन के गॉड है जिसके बारे में, ठीक है, और ये वेस्टर्न चर्च में डेवलप्ड हुई, इसको वेस्टर्न चर्च में डेवलप किया गया है। क्या नाम है इस एपिक का, द डिवाइन कॉमेडी, इसका नाम है द डिवाइन कॉमेडी। नेक्स्ट देखिए नंबर सिक्स, नंबर सिक्स, दिस इज एन एपिक पोएम इन ब्लैंक वर्स बाय द 17th सेंचुरी इंग्लिश पोएट जॉन मिल्टन, ये 17th सेंचुरी में लिखी गई जॉन मिल्टन, इंग्लिश पोएट जॉन मिल्टन द्वारा लिखी गई एक फेमस पोएम है, फेमस एपिक पोएम है। द पोएम कंसर्न्स द जूडियो क्रिश्चियन स्टोरी ऑफ द फॉल ऑफ द मैन, इसके अंदर जो कोई पर्सन है उसके किस तरह से उसका विनाश होता है उसके बारे में इसमें डिस्कशन किया गया है। द टेम्पटेशन ऑफ एडम एंड ईव बाय सैटन एंड दियर एक्सपल्सन फ्रॉम द गार्डन ऑफ ईडन, इसके अंदर सैटन एडम और ईव का जो लालच है, ठीक है, और ईडन के बगीचे से जो है उनका किस तरह से
उनको निकाला गया, ईडन का जो गार्डन को किस तरह से निकाला गया उनको, ईव और एडम को, ठीक है, उसका इसमें डिस्क्रिप्शन किया गया है। द पोएम ग्रेपल्स विद मैनी डिफिकल्ट थियोलॉजिकल इश्यूज इंक्लूडिंग फेट, प्रीडेस्टिनेशन एंड द ट्रिनिटी। इसके अंदर इन सब का जो डिफिकल्ट थियोलॉजिकल है इश्यूज, यानी जो गॉड से रिलेटेड जो इश्यूज हैं, ठीक है, कि गॉड ने क्या क्या काम किया, किस तरह से इसको पूरे जो वर्ल्ड है उसको किस तरह से इसका फॉर्मेशन किया है, क्रिएशन कैसे किया है इसका, ठीक है, इंक्लूडिंग फेट, प्रीडेस्टिनेशन, इसके अलावा जो पूर्वानुमान है, ठीक है, मतलब किसी चीज़ का पहले ही अनुमान लग जाता है हमको कि आगे ये होने वाला है, ठीक है, ऐसे कुछ सिम्टम दिखने लग जाते हैं जिससे हमको पता लग जाए कि आगे ये होगा या फिर आगे वो होगा, ठीक है, उन सबका इसमें डिस्क्रिप्शन किया गया है, ठीक है, किसी की पर्सन की मृत्यु कैसे होती है उसके बारे में उसमें बताया गया है। क्या नाम है इसका? पैराडाइज लॉस्ट। क्या नाम है? पैराडाइज लॉस्ट। नेक्स्ट है देखिए सेवंथ। दिस इज ए लॉन्ग डिग्रेसिव सेटैरिक पोएम बेस्ड ऑन द लीजेंड ऑफ डॉन जुआन विच बायरन रिवर्सेज। ये डॉन जुआन की जो लीजेंड इन कथा है उस पर आधारित है, जो कि एक लंबी और डिग्रेसिव सेटैरिक पोएम, डिग्रेसिव मतलब जो दयनीय, यानी जो बहुत बुरी कंडीशन है किसकी, डॉन जुआन की और बायरन रिवर्सेज, इसके बारे में इसमें डिस्क्रिप्शन किया गया है। नेक्स्ट देखिए इसमें, मॉडर्न क्रिटिक्स जनरली कंसिडर इट टू बी बायरन्स मास्टरपीस। कुछ जो मॉडर्न क्रिटिक्स हैं जो मतलब इसकी बुराई करते हैं, ठीक है, वो भी जनरली इसे बायरन की, जो बायरन नाम का एक पोइट कह सकते हैं जिसको, उसकी बहुत ही अच्छी पोएम मानते हैं इसको, ठीक है। द पोएम वॉज नॉट फिनिश्ड बाई हिज डेथ इन 1824। ये जो पोएम है 1824 में उनकी मृत्यु से समाप्त नहीं हुई थी, ख़त्म नहीं हुई थी, बल्कि इसको आगे भी लिखा गया था। बायरन मैनेज टू कम्प्लीट 16 कैंटोस लीविंग एन अनफिनिश्ड 17th कैंटो बिफोर हिज डेथ। जो बायरन था उसने इसके लगभग 16 कैंटो पूरे लिख लिए थे, और जो 17 कैंटो था वो इसने अधूरा छोड़ दिया था। कैंटो मतलब छोटे छोटे टुकड़े, यानी सेवन, ये कह सकते हैं कि सीधी सी बात है कि 16 कविताएं उसने लिख चुकी थी, लिख चुका था वो, और 17 जो 17वीं थी उसको उसने अधूरी छोड़ दी थी, ठीक है। बायरन क्लेम्स दैट ही हैड नो आइडियाज इन हिज माइंड एज टू वाट वुड हैपन इन सबसीक्वेंट कैंटोस एज ही रोट हिज वर्ल्ड। बायरन अपनी मृत्यु से पहले एक अधूरा जो 17 उसने छोड़ा था, ठीक है, उसको पूरा करने में वो कामयाब हुआ था। एक इसके अलावा ये है कि ये कि जो बायरन है उसके दिमाग में ये नहीं था, ये विचार नहीं था उसके दिमाग में कि बाद की कविताओं में क्या होगा, उसके मरने के बाद जो कविताएं लिखी जाएंगी उसकी खुद की, उनके में उनमें क्या होगा, क्योंकि उसने अपना जो काम लिखा था वो पहले लिख चुका, 16वीं जो 16 कैंटोस थे, 16 कविताएं थी उसमें वो लिख चुका था उनके बारे में, जबकि आगे जो 17वां अधूरा छोड़ा है उसने, तो उसको मालूम नहीं था कि इसमें क्या लिखा जाएगा, ठीक है। व्हेन द फर्स्ट टू कैंटोस वर पब्लिश्ड एनोनिमसली इन 1819 द पोएम वाज क्रिटिसाइज्ड फॉर इट्स इमोरल कंटेंट थो इट वाज ऑल्सो इमेंसली पॉपुलर। जब 1819 में पहले दो कैंटों से कविताएं जो थी उनको गुमनाम तरीके से, यानी गुपचुप तरीके से प्रिंटेड किया गया, पब्लिश किया गया उनको, ठीक है, तो कविता को इतनी मतलब ये कह सकते हैं कि इतनी बुराई की गई थी कि उसके बावजूद भी ये बहुत प्रसिद्ध हुई, उसके बावजूद भी ये बहुत प्रसिद्ध हुई थी। उस कविता का नाम क्या है? डॉन जुआन। क्या नाम है इस कविता का? डॉन जुआन। तो याद का चैप्टर था, इसको आपको ओनली अंडरस्टैंड करना था, नोटबुक में नहीं राइट करना है आपको, ठीक है, ओनली इसको वीडियो से ही आपको अंडरस्टैंड करना है। इसी के साथ चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे चैप्टर 12 की।